देह में ये शिकायत हमेशा रहती है कि बहुत से जो जीव हैं, जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, वो विलुप्त होते जा रहे हैं। इसके लिए कुछ पर्यावरण की दोषी है, कुछ हमारी विकास संस्कृति का भी दोष कहा जाता है और कुछ लोगों की लापरवाही भी कही जाती है। लेकिन हमारे यहाँ कुछ ऐसे जिम्मेदार लोग भी हैं जो जानते हैं कि कौन सा जीव विलुप्त हो रहा है, अगर उनकी नजर में कभी वो आता है तो किस तरह की जागरूकता दिखाते हैं। इसका नजारा है कानपुर के ईदगाह में कब्रिस्तान इलाका। ये कब्रिस्तान है, कानपुर का सबसे पुराना कब्रिस्तान है और यहाँ आज एक विलुप्त हो रहे गिद्ध को लोगों ने पकड़ा है। ये गरीब लोग है, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इनकी इतनी समझदारी जरूर है कि इनको पता है कि गिद्ध जो है विलुप्त जीव है और उसको दिखाई पड़ा, इन्होंने उसको पहचाना, उसके बाद उसको पकड़ लिया है। हालांकि इस दौरान उसने कई लोगों को पंजे भी मारे हैं, काटने की कोशिश की है। ये जो उन्होंने पकड़ा है सफीक है, इनसे पूछते हैं कैसे पकड़ा है। सफीक, कैसे पकड़ा, कहां से पकड़ा, कैसे पकड़ा? इसको एक हफ्ते से ये जोड़ा आ रहा था और हम लोगों ने देखा तो हम लोगों को बड़ी खुशी हुई। हमारा पूरा परिवार इसमें लग गया कि अगर पकड़ मिल जाए तो भारत की बदनामी जो इंडिया के अंदर हो रही है, गिद्ध नहीं है और तमाम बातें हैं। तो हमने इसको अपनी हाथ पैर न देखते पूरे परिवार ने इसको पकड़ लिया आज, और एक इसका चूड़ा था वो भाग गया कहीं से। क्या करते हो सफी? जी चूरन का ठेला लगाते हैं, इमली चूरन बेचते हैं और उसी से बच्चों का पालन पोषण करते। समझिए कि चूरन वाले को ये पता है कि गिद्ध विलुप्त हो रहा है, हिंदुस्तान में कहा जाता है गिद्ध विलुप्त है, इसकी इनको चिंता है। हिंदुस्तान ऐसे ही नहीं सारी दुनिया का सिरमौर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के कोई भी लोग हैं उनको ये पता होता है कि हमारे देश के लिए क्या चीज जरूरत है। एक युवक और भी है, कैसे इसको रखते हैं, काट काट ये सर? इसको हम लोग आज भी कर रहा है तो इसको हमने मीट का और इसका काटा वाटा है किसी को नहीं काटा है, पंजे मार दीजिए। तो ये हमारे छोटे भाई और ये हमारे मौसा, मेरा नाम इश्तियाक है और ये मेरे मौसा है। देखिए गिद्ध, देखिए ये सफेद व्हाइट, कैमरामैन जिसान दिखाएंगे आपको, ये सफेद गिद्ध है, बहुत पुराना, हम लगता है सैकड़ों साल पुराना गिद्ध होगा, क्योंकि गिद्ध की आयु बहुत लंबी होती है। इन्होंने इसको बांध के रखा है। इस दौरान पुलिस को सूचना दी गई है, पुलिस भी आ रही है यहाँ पे। चारों तरफ देखिए भीड़ कैसे लगी हुई है, जैसे कोई अजूबा देखा जा रहा है। निश्चित है इनके लिए अजूबा ही होगा, क्योंकि इन सबको ये पता है कि गिद्ध विलुप्त हो रहा है। वन विभाग के लोग भले जितने जागरूक ना हो, उनको पता ना हो कि शहर में कहाँ गिद्ध आ सकता है, कहाँ आ सकते हैं, लेकिन हम इस ये लोग जरूर इतने जिम्मेदार थे जिन्होंने इसको पकड़ लिया है, इसको सुरक्षित रखा हुआ है। वन विभाग के भी तीन लोग आ रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं और गिद्ध जो है बच के भागने की कोशिश कर रहा है। खैर अब पुलिस आ रही है, इस गिद्ध को ले जाएगी, वन विभाग की टीम ले जाएगी, इसको सुरक्षित करेगी। अब देखना होगा, वन विभाग के लोग ही बताएंगे कितने साल तक का पुराना गिद्ध है। उम्मीद है वन विभाग इसको सुरक्षित रख करके विलुप्त हो रही गिद्ध की प्रजातियों के लिए इसका कुछ उपयोग कर पाएगा, जिससे उनकी प्रजातियां बढ़ पाए। अभी कानपुर में ईदगाह के पास एक गिद्ध पकड़ा गया, जो हिमाचल ग्रिफिन बल्चर कहते हैं इसको, और ये जब लाया गया था तो इसके पैर बंधे हुए थे, इसके पैर में थोड़ी सी चोट है। अभी चूँकि ये अस्वस्थ है तो इसको हम लोगों ने जो ट्रीटमेंट देना था वो दे दिया गया है, अंडर ऑब्जर्वेशन रखा हुआ है, क्वारंटाइन किया हुआ है, और जब ये स्वस्थ होगा तो इस पे निर्णय जो है पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ स्तर से, शासन स्तर से इस पर लिया जाएगा कि इसको यहाँ रखा जाए, इसको छोड़ा जाए।